सक्सेस स्टोरीज किसको अच्छी नहीं लगती, और तब और भी अच्छा लगता है जब आपने किसी की मदद की हो और वो सक्सेस पा जाए। दिल को एक तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तो मैंने जब भी फ्रीलांसिंग की सीरीज शुरू की थी, इससे पहले भी मैं ऑन एंड ऑफ लोगों की हेल्प कर रहा था, फेसबुक पे, ऑफलाइन। तो आज एक वीडियो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। वो वीडियो देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक मित्र है मेरे, उनकी जब मैंने हेल्प की, उनको मैंने कुछ ट्रिक सिखाई, कुछ एडवांस टिप सिखाई कि वो कैसे फायदा अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे वो कस्टमर से ज़्यादा बिजनेस ले सकते हैं। और वो दिन है और एक आज का दिन है। एक्चुअली कल रात मुझे उनका एक वीडियो आया जब उन्होंने खुद ही मुझे अपना एक वीडियो रिव्यू भेजा, या वीडियो टेस्टिमोनियल भेजा आप बोल सकते हैं। और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो उस वीडियो में उन्होंने कहा है वो बात दिल को छू गई और लगा यार हाँ किसी की तो मदद कर पाए हम। लगता है कुछ अकम्प्लिश किया है, क्योंकि इस सीरीज का मोटिव ही दूसरों की हेल्प करना है, जितना मुझे आता है मैं उसको शेयर कर सकूं, वो है गोल। चलिए मैं आपके संग शेयर करता हूं वीडियो, और उसके बाद मैं कुछ टिप्स आपके संग शेयर करूंगा कि आप कैसे फाइबर पे बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, और कैसे आप कस्टमर से रिव्यू पा सकते हैं, क्या क्या वर्डिंग्स यूज करनी चाहिए। क्योंकि फाइबर में या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में कुछ भी बेचना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है कि आपको कुछ टेक्निकल स्किल आती है या फिर आपको फोटोशॉप अच्छा आता है, वो एक बात है। वो बात है कि अगर वो आपको काम आता है तो आप कर पाएंगे, पर उसके आगे क्या, उसके आगे आप कैसे उससे ज़्यादा बिजनेस और लेंगे, उसके बाद कैसे आप उससे बोलेंगे कि यार ये काम मैंने किया है अच्छा लगे तो रिव्यू देना, उसकी वर्डिंग क्या है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत काम आती है, और इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसे देख के आप शायद और इम्प्रूव करें। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए, बिल्कुल मत झिझकिए। तो देखते हैं चलिए ये वीडियो, और उसके बाद कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाय सैंडी भाई, क्या हाल चाल है? पता नहीं यार आप मेरे को जानते हो कि नहीं, बट मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट आप तो मेरे गुरुदेव हो यार। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इनफैक्ट आपने गोविंद का रास्ता तो नहीं बताया, बट हाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रास्ता बहुत जरूर बता दिया। इनफैक्ट क्या फाइबर में मेरा अकाउंट जो था पहले भी था और अब भी है, पर डिफरेंस है कि पहले यार सेल नहीं आ रहा था, मतलब इक्का दुक्का इधर उधर आ, महीने में दो आ गया, चार आ गया, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही थी। मेरा एक्सपर्टीज लेवल वही था जो अभी है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यार कुछ बहुत चीजें थी जो मैं मिस कर जा रहा था। और इनफैक्ट थैंक्स टू योर वीडियोस, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग। द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसमें यार बहुत ज्यादा है, इट्स लाइक टू गुड। और जो स्पेशली आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं वो यार अमेजिंग रिजल्ट्स मेरे को दिख रहा है यार फाइबर में। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, मैंने एक वैलेंटाइन डे स्पेशल का वीडियो लोड अप किया है, और ताकि लोग अपने फियांसे को या बिलवेड को स्पेशल तरीके से ग्रीटिंग कर सकें। ये पहले भी था बट समहाउ प्रोडक्टिविटी दिख रही नहीं थी, बट आपके टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो यूटिलाइज करने के बाद प्रोडक्टिविटी लाइक स्काई रॉकेटेड है। अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं, वैलेंटाइन डे नजदीक है तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि यार संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो काफी चीजें हैं जो मेरे को अभी भी समझ नहीं है, जैसे कुछ बहुत ऑर्डर्स हैं जिसपे रेटिंग नहीं मिल पा रही है, तो वो सब चीज अगेन आपके सारे वीडियोस आगे भी मैं वेट करूंगा, जो जो वीडियोस आएंगे वो भी देखूंगा, टिप्स एंड बाकी टिप्स भी लूंगा, ताकि पता लगे कि यार कहाँ और गलती हो रही है, कि जो अभी एक जगह करियर पहुंच गया है नेक्स्ट कुछ महीनों में एक डिफरेंट लेवल पे ही हो। एंड ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब, क्योंकि आपके वीडियोस थे, आपके इतने मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो थे। आई लिटरली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, एंड इन फैक्ट देयर इज अ स्पेशल प्रेजेंट जस्ट आफ्टर दिस जस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच सैंडी, विश यू गुड लक इन योर करियर।
और ये है प्रोफाइल हिमानी टिक्की। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये उनका गिग है जहाँ पे वो सब काम करते हैं। ये गिग में वो स्पेशली रोज़ पेटल से नाम लिखते हैं या जो भी लिखना है वो लिखते हैं। और अगर आपको ये चाहिए अपने वैलेंटाइन में अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए, तो आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये सक्सेस स्टोरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कस्टमर हैंडलिंग कैसे करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको क्या क्या बातें आनी चाहिए कि आप एक प्रॉपर सेल फ्लो जिसे बोलेंगे वो आप कंप्लीट कर सकें, अच्छे ऑर्डर लें और फिर बार बार अपने कस्टमर को एक रिपीट कस्टमर बना दें। क्योंकि रिपीट कस्टमर आपको उतना बिजनेस देता है जितना कि शायद नया कस्टमर ना दे। और एक और बात, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक लाइव प्रोफाइल रिव्यू करूँ। तो आप उस लाइव प्रोफाइल रिव्यू में आइए और उसके बाद मैं लाइव देखूंगा कि आपकी प्रोफाइल में क्या कमी है, उसे कैसे ठीक करें। आपको सजेशन दूंगा लाइव ताकि और लोग जो भी देख रहे हैं उसको, वो भी उससे कुछ सीख सकें। और जब हम ये 3-4 प्रोफाइल्स के लिए, 5-6 प्रोफाइल्स के लिए कर लेंगे तो शायद हम बहुत कुछ सीख जाएंगे उससे। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और मैं कल ही एक लाइव प्रोफाइल रिव्यू सेशन होस्ट कर दूंगा जो कि हम फेसबुक लाइव से या यूट्यूब लाइव से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। और आपके सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और हाँ, मेरा एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ करिए। और अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।